चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस लाइक रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा आपको याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उसका डेरिवेशन फॉर्मूला निकला था वी इक्वल्स टू आई आर, याद होगा तो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रिसेंट लास्ट क्लास में कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। उस क्लास से हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आपको याद आ रहा होगा, तो फॉर्मूला यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आर इक्वल्स टू रो इन टू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा तो। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने का टर्म्स है आज, ठीक है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे इस न्यूमेरिकल से बनने वाले कुछ, इस फॉर्मूले से बनने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला न्यूमेरिकल है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर। एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन उसका बोला है एक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कि चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ। गिवन अपने को दिया हुआ है लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, ये क्लियर हो गया। इस 26 ओम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, यानी कि आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दैट इज इक्वल्स टू 26 ओम। ओम को मैंने आपको बताया था, सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे सर फॉर्मूला है अपने पास आर इक्वल्स टू रो इनटू एल अपॉन ए, इसमें टेम्परेचर तो कहीं है ही नहीं, तो टेम्परेचर को यूज कैसे करेंगे? तो भैया हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसीलिए टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। दो इसका फॉर्मूला में कोई यूज नहीं है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इस क्वेश्चन में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है, इंडिकेट किया है कि भाई 20 डिग्री सेल्सियस पे अपन इसको ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूले पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तो इफेक्ट करता है ना टेम्परेचर, कैसे इफेक्ट करता है अगर वो आपको देखना है तो आप लास्ट क्लास के वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर वायर का डायमीटर कितना है 0.3 mm, तो डायमीटर दे दिया अपने को, तो डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 0.3 mm, ये आया समझ में आपको। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सबसे पहले तो 0.3 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ऊपर लेंथ भी मेरे को मीटर में दिया हुआ है और तो ये भी मेरे को मीटर में ही होना चाहिए, आइदर इसको मिलीमीटर कन्वर्ट करो या इसको मीटर कन्वर्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने को ऑलरेडी पता है 1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10^-3 मीटर, यहां पर दिया हुआ 0.3 मिलीमीटर, तो 0.3 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर से भी कम हुआ, तो इसको लिख सकता हूँ 3 × 10^-1 मिलीमीटर। पहले मैं मिलीमीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हूँ, 0.3 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 × 10^-1। मैंने मिलीमीटर को अभी कन्वर्ट नहीं किया, मिलीमीटर मिलीमीटर में ही है, अब इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 3 × ये कुछ नहीं है 3 × 10^-1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 3 × 10^-4 मीटर। ध्यान दीजिए कैसे है सर, अभी तो आप 10^-3 मीटर लिखे थे, तो भैया 10^-3 मीटर ठीक है, और इसके पास 10^-1 और ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो गया 10^-4 हुआ, तो 0.3 मिलीमीटर को मैं 3 × 10^-4 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे को डायमीटर मेरा मिल गया 3 × 10^-4 मीटर, लेकिन मेरे को डायमीटर चाहिए क्या? तो नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को डायमीटर नहीं चाहिए। एक वायर का सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना है, तो ये वायर कौन से शेप में होता है, चलिए बताइए जल्दी से, वायर का शेप क्या होता है, जल्दी बताओ, वायर का शेप क्या होता है, सिलेंडर, वायर का शेप क्या होता है, सिलेंडर होता है भैया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का कैसे निकलेगा, तो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने की जरूरत थी क्या, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, यानी आपको सर्कल का एरिया लेना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए बस अभी के लिए, कि एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां तक मेरे हिसाब से, यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई क्या है, आर स्क्वायर, लेकिन दिया हुआ क्या है आपको, डायमीटर, तो हम लोगों को पता है कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 times ऑफ रेडियस होता है, सही है, तो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डायमीटर की जगह में लिख दूंगा आर, मतलब आर की जगह में लिख दूंगा डी बाई 2, ठीक है। तो यहां पर लिखने वाला हूं मैं आर की जगह में डी बाई 2, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, एरिया इक्वल्स टू, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज पाई इंटू, आर की जगह क्या लिखना है डी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, कितना होता है 4, तो एरिया मिल गया मेरे को। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं,
आर इक्वल्स टू रो इन टू एल अपॉन ए। निकालना क्या था वैसे अपने को न्यूमेरिकल में, ध्यान दीजिए यहां पर, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, फॉर्मूला पढ़े, रेजिस्टिविटी रो को बोलते हैं। तो रो निकालिए यहां से, तो रो इक्वल्स टू आर तो ऑलरेडी है उधर, और है ए उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो आर इन टू ए अपॉन एल नीचे चल देगा, ट्रांसपोज करेंगे तो एल नीचे, तो रो इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है, कितनी हुई थी क्वेश्चन, देखो ध्यान से, आर की वैल्यू हम लोगों ने गिवन लिखा है 26 ओम, ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हुई 26 इंटू एरिया की जगह में क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला है पाई इंटू डी का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 4 इंटू एल, एल कितना दिया हुआ था 1 मीटर दिया हुआ था, तो इंटू 1। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, 26 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू, नीचे क्या दिया 4 इंटू 1 4 होता है, इंटू टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो डी की वैल्यू जितनी दी होगी उसको स्क्वायर करना है, तो डी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। रो इक्वल्स टू 26 × 22 ×, ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हुआ 9 × 10⁻⁴, हाँ दीजिए मल्टीप्लाई करिए, 4×2 पावर मेरे हिसाब से आपको आता है, इतना तो आना चाहिए, 10th क्लास पहुंच गया होगा आप, और 7 × 4, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 2 13 जा, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 143 × 9 × 10⁻⁸ अपॉन 7। अब ये मैं 13 × 11 का कराऊँ तो 143 आया, अब 143 × 9 / 7 करूँगा, ठीक है, तो इतना तो आप अब कर सकते हैं, इतने को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.84 × 10⁻⁶ ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कल पढ़े थे याद करो, ओम मीटर। तो कुल मिलाकर आपको रेजिस्टिविटी ऑफ 1 मीटर वायर एट 20 °C इज व्हाट, इज 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, एक मटेरियल है फर्क नहीं पड़ता, हैविंग लेंथ एल, ओ चलिए गिवन ले लेते हैं भैया आपसे, ठीक है गिवन ले ले, ऑफ लेंथ एल, तो लेंथ दे दिया आपको, लेंथ इक्वल्स टू एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, चलो भैया एरिया दे दिया अपने को कैपिटल ए, हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, अच्छा मतलब इस कंडीशन पर जब वायर का लेंथ एल था, एरिया ए था, तब उसका रेजिस्टेंस था 4 ओम। What would be the resistance of another wire of same material? अच्छा same material, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर समझ में आया material क्यों बोला है, क्यों, क्योंकि एक given material का resistivity हमेशा same होता है, यानी अगर ये पहला केस है जिसमें length 1 है, area 1 है, resistance 1 है, तो यहाँ पर resistivity 1 होगी, तो second case की resistivity 2, लेकिन क्योंकि material same है तो दोनों की resistivity same होगी, that is equals to rho, समझ में आ गया, यानी कि मटेरियल अगर सेम है, वायर कितना भी आप चेंज करो, 1 मीटर लो, 10 मीटर लो, 100 मीटर लो, 1000 मीटर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी उसकी सेम ही होगी, यानी आर वन रो वन इक्वल्स टू रो टू ही आएगा, रेजिस्टिविटी सेम होगी जब तक अगर मटेरियल भी सेम हुआ तो। अब इसका लेंथ कितना है, यानी ये हुआ आपका केस 1, ठीक है, नीचे लिख लेते केस 2, केस 2 में क्या बोल रहा है आपको, केस 2 में बोल रहा है भैया कि लेंथ कितना है आपका, केस 2 का लेंथ बोला है एल बाई 2, यानी लेंथ हाफ हो गया, और एरिया बोल रहा है आपको 2a, यानी एरिया को डबल कर दिया, इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे को ये तो पता है कि रेजिस्टिविटी सेम होगी, यानी रेजिस्टिविटी सेम होगी, R2 ρ2 = ρ1, तो पहले मैं ऊपर वाले केस से यहां से रेजिस्टिविटी निकालूंगा, तो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था R = ρ × L / A, यहां से रेजिस्टिविटी निकालूं तो R × A / L, ये अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही किए थे, तो पहले वाले केस के लिए R1 A1 और L1, तो ρ = R1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है कैपिटल A को कैपिटल A रहने देते हैं, ρ1 की वैल्यू कितनी है L, तो यहां से कुल मिलाकर आपको ρ मिल गया 4 × A / L, ठीक है, लेंथ की वैल्यू L थी, तो ये आपको मान के चलो पहले वाले का रेजिस्टिविटी मिल गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, तो सेकेंड वाले मटेरियल यानी सेकेंड वाले वायर जो सेम मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी भी यही आएगी,
ठीक है, अपने को निकालना रेजिस्टेंस है। चलो फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू रो इन टू एल अपॉन ए होता है। अभी सेकेंड केस के लिए है तो आर टू और एल टू और ए टू। अब आप यहाँ पर सोच रहे हो सर मैं यहाँ पर रो टू क्यों नहीं लिखा, तो भैया मैंने आपको बताया सेम मटेरियल, क्या बोला मैंने सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल की होने की वजह से रो वन और रो टू की वैल्यू बराबर रहेगी रो, ठीक है। यहाँ पर आर टू इक्वल्स टू रो की वैल्यू क्या निकली थी, देखिए यहाँ पर रो टू की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी आई, फोर ए अपॉन एल, तो यहाँ पर पुट अप कर दूं मैं रो की जगह फोर ए अपॉन एल इन टू एल टू। एल टू कितना है, एल टू यहाँ पर देखिए एल बाय टू, ठीक है। एल टू कितना है एल बाय टू अपॉन ए टू कितना है, ए टू का भी चेंज हुआ है, देखिए एरिया कितना हुआ टू ए हो गया, तो सेकेंड टाइम्स का एरिया कितना है टू ए। तो अब इसको सॉल्व करूँ आगे, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मिलेगा अपने को फोर ए अपॉन एल इन टू एल, अब ये बाई टू है तो ये नीचे चला जाएगा, तो टू इन टू नीचे में टू ए ऑलरेडी है, तो ये टू बन जा टू टू जा टू बन जा टू बन जा, ए और ए कट आर एल और एल कट, बचा कितना आंसर वन, यानी कि रेजिस्टेंस कितना निकला आर टू वन ओम, यानी कि पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना था फोर ओम, कब जब लेंथ एल था एल वन एल था और एरिया कितना था ए था। रेजिस्टेंस सेकंड वाले का कितना हो गया वन ओम हो गया, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, कब जब लेंथ हो गया हाफ और एरिया हो गया डबल, यानी कि एरिया के बढ़ने से और लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, एक मेटल वायर का जिसका टू मीटर लेंथ है, यानी गिवन लिख लेते हैं फिर से। आप याद रखिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें आपको गिवन लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो लेंथ एल कितना है आपका टू मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ब्रैकेट में कैपिटल है कितना दिया हुआ है 1.55 into 10 to the power minus 6 meter square, ठीक है। इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी एरिया दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज इतना, यानी रेजिस्टिविटी आपको सभी तो दिया हुआ है यार, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी रो कितना निकला है, ये दिया हुआ है 2.8 into 10 to the power minus 6 ओम मीटर, ये दिया हुआ है रेजिस्टिविटी। निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस निकालना, तो फॉर्मूला तो अपने को पता है क्या होता है, फॉर्मूला रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू एल अपॉन ए, ठीक है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो इनटू एल अपॉन ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने से पहले आप देखिए आपको आर निकालने बोला है, रो दिया है क्या, हाँ दिया है, एल दिया है क्या, हाँ दिया है, ए दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है, देखिए ये हो गया रो, ये हो गया ए और ये हो गया एल, वैल्यू पुट अप कर दें, रो की जगह में क्या आएगा, रो की जगह में आएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर अपॉन एरिया कितना दिया हुआ है 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको सॉल्व करें, 10 टू द पावर माइनस 6 कट, 10 टू द पावर माइनस 6 कट, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2.8 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 1.55। इसको आगे सॉल्व करें, 5.6 डिवाइडेड बाय 1.55 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3.61, तो 3.61 ओम आपका आंसर हुआ, यानी रेजिस्टेंस कितना निकला 3.61 ओम। क्लियर हुआ आपको ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, एरिया निकालने बोल दिया इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर, चलिए फिर से गिवन, तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें गिवन जरूर लिखे, तो लेंथ दे दिया 1 मीटर, एरिया निकालने बोला है, रेजिस्टेंस इज 23 ओम, यानी आर दे दिया कितना दिया 23 ओम दिया है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर इज दिस वन, यानी रो भी दे दिया, रो कितना दिया हुआ है 1.84 into 10 to the power minus 6 ohm meter, ये दिया हुआ resistivity। फॉर्मूला क्या होता है, resistance का R equals to rho into L upon A, यहाँ से A निकालना है, A equals to क्या निकलेगा, A को उधर transpose, R इधर, A मिलेगा rho into L upon R आ जाएगा, interchange हो गया place, A equals to क्या मिला, rho की value कितनी है, rho की value है 1.84 into 10 to the power minus 6 into length कितना दिया है 1 meter अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया 23। अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका एरिया, एरिया कितना निकला 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर सकते हैं ना आप, कैसे करना है डिवाइड, आपको सिंपल सा लॉजिक है, इसको डिवाइड करने का चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्या दिया हुआ था 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 23, डिवाइड करेंगे कैसे करेंगे, तो 1.84
इंटू 10^-6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर से पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे में इंटू कर दूंगा, कुछ ना कुछ पॉइंट हट गया यानी वो 184 हो गया, और नीचे में 100 इंटू कर दूं क्योंकि पॉइंट के बाद दो डेसिमल है, इंटू 23। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 184 को पहले डिवाइड कर देते हैं 23 से, तो 23 से कितना जाएगा, 23 8 जा टू कैरी 16, 184 कट जा, तो 23 1 जा और 23 8 जा ये कट गया, तो आपको ऊपर मिला 8 × 10^-6 अपॉन 100। क्लियर हुआ, 8 × 10^-6 अपॉन 100 को 10^2 लिख सकता हूँ, 10^2 ऊपर जाएगा क्या होगा, 8 × 10^-6 × 10^-2 मल्टीप्लीकेशन दोनों ऐड हो जाएगा, क्या होगा 8 × 10^-8। यही आया आंसर आपका 8 × 10^-8 हो, तो यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सबको बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, किसी भी एक सिस्टम में जब रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारे रेजिस्टर को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या केसेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको बता दूं, तो रेजिस्टेंस ये होता है, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन एक सर्किट डायग्राम का, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस एक सीरीज में यानी ऐसा जुड़ सकता है, या ऐसा पॉसिबिलिटी, एक रेजिस्टेंस ऐसा जुड़ा है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐसा जुड़ा हुआ है, इसी के साथ एक रेजिस्टेंस ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटी है, एक शुरू वाली लाइन से जुड़ेगा जिसको सीरीज बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन, एक पैरेलल लाइन यानी ऊपर नीचे जुड़ रहा है इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।